हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अभय शुक्ला टेक। स्टूडेंट्स, AK2 की तरफ से जारी किए गए आज के बयान में बोला गया है कि सरकार ने दिए हैं फाइनल एग्जाम के आदेश, ऑनलाइन मोड को मिली मंजूरी। स्टूडेंट्स, मैंने अपने एक पुराने वीडियो में आपको बताया था कि AK2 छात्रों की परीक्षा ऑनलाइन मोड पर कराने पर विचार कर रही है, लेकिन शायद किसी ने यकीन नहीं किया हो क्योंकि मैंने कोई प्रूफ नहीं दिया था। तो इस वीडियो के माध्यम से वो प्रूफ मैं आज आपको दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा है। थ्योरी, प्रैक्टिकल, वाइवा सभी एग्जाम ऑनलाइन कराने को मंजूरी मिली है। AK2 अब जल्द ही फाइनल सेमेस्टर एग्जाम की डेट शीट जारी करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से टेक्निकल यूनिवर्सिटी और इंजीनियरिंग कॉलेजों में फाइनल सेमेस्टर एग्जाम कराने की मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी AK2 जल्द ही फाइनल सेमेस्टर एग्जाम की डेट शीट जारी करेगी। सरकार ने UGC की गाइडलाइन पर ऑनलाइन मोड में एग्जाम कराने पर सहमति दे दी है। बाकी सभी छात्रों को प्रमोट करने के आदेश हैं। UP की टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर कमल रानी वरुण ने फाइनल परीक्षाओं को 30 सितंबर से पहले कराने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही AK2 ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। सरकार के आदेश के मुताबिक सभी कोर्स में रेगुलर छात्रों के साथ साथ कैरी ओवर छात्रों के भी एग्जाम कराए जाएंगे। इसके लिए ऑनलाइन मोड का चुनाव करने का अधिकार यूनिवर्सिटी को दे दिया गया है। फाइनल सेमेस्टर के थ्योरी, प्रैक्टिकल, इंटरनल और असेसमेंट सभी तरह के एग्जाम के लिए ऑनलाइन मोड का इस्तेमाल किया जाएगा। फाइनल सेमेस्टर के छात्रों का वाइवा भी ऑनलाइन कराने का फैसला लिया गया है। इसकी प्रक्रिया थ्योरी एग्जाम से पहले पूरी कर ली जाएगी। दूसरी ओर MTech और MPharma के छात्रों के रिसर्च से जुड़े एग्जाम भी ऑनलाइन होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन और UGC की सभी गाइडलाइंस को लागू कर दिया है। 6 जुलाई को UGC की नई गाइडलाइन जारी होने से पहले केंद्र सरकार ने जुलाई में होने वाले सभी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया था। AK2 ने भी 16 जुलाई से शुरू होने वाले फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम 14 जुलाई को स्थगित कर दिए थे। अब सरकार के फैसले के बाद छात्रों के प्रमोशन और फाइनल एग्जाम के नियम लागू कर डेट शीट जारी कर दी जाएगी। छात्रों, ऐसी बहुत सी न्यूज़ मैं आपको बताता हूँ जिसमें मैं प्रूफ नहीं दे पाता, क्योंकि वह यूनिवर्सिटी के किसी विशेष पद पर स्थापित माननीयों के द्वारा मुझे वो न्यूज मिलती है। अभी तक जितनी भी न्यूज मैंने आपको बताई वो सब सही ही निकली हैं, जिसका मैंने बाद में प्रूफ भी दिया है। मैंने अपने पुराने वीडियो में आपको बताया था कि जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हैं उनका परीक्षा परिणाम 25 जुलाई को जारी करने के संकेत मिले हैं, लेकिन काफ़ी उसमें मैसेज आया कि ये फेक न्यूज है। उसका भी प्रूफ मैं अपने अगले वीडियो में दे दूंगा। आप लोग ये मत सोचिए कि मैं वीडियो बनाने के चक्कर में कुछ भी न्यूज़ दिखाता हूँ। कभी ना कभी किसी ना किसी कहीं ना कहीं से मुझे कुछ न्यूज़ मिलती है, कुछ इनपुट्स मिलते हैं, तभी मैं आप लोग के साथ वो शेयर करता हूँ। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूले। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछे। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आपको मिलते हैं अपने एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए प्रूफ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।